बोलोगे मवी के भाई के हैक्स पर तो मेरे जो विचार हैं कुछ इस प्रकार है जीरो रिकॉयल को डिस्कवालीफाई किया गया था ऑन द बेसिस कि उन्होंने अपना पी प्रोवाइड नहीं किया ठीक है दैट वॉज द ग्राउंड्स एंड ऐसा कहीं पे लिखा नहीं था या कहीं पे मेंशन नहीं है कि प्लेयर्स चीट कर रहे थे या हैक कर रहे थे हैव वायलेटेड द गाइडलाइंस एंड इसी वजह से उनको टूर्नामेंट से डिसकॉलीफाई कर दिया गया है तो एज थिंग स्टैंड

हैक कर रहा हो इसलिए नहीं दिया भाई भा देखो फिर से हम कौन है हम हैं एम्प्लॉय ठीक है employee, हमें ऊपर से क्या आदेश आए कि उन्होंने पीओ ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या आया कि दे कुड नॉट प्रोवाइड पीओ कुछ भी हो सकता है मैं बोल दूं भाई मेरे घर पे पैसे नहीं है मैं दूसरा फ़ोन नहीं ला सकता मैं पीओ भी नहीं दे सकता हैंड कैम नहीं दे सकता इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं हैक करूँ देर कुड भी एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऐसा भी हो सकता है जो तुम सोच रहे हो उस हिसाब से भी हो सकता है आई एम जस्ट स्टिकिंग विद द गाइडलाइंस जो चीज़ें बोली गई हैं जिस बेसिस पे उनको डिस्कवालीफाई किया गया उनके ऊपर बैन पैन नहीं लगा देव बिन डिस्कवालीफाइड अगर वो नेक्स्ट टूर्नामेंट में चाहे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है चिल करो हर दिक्कत नहीं है वकील बैठो पी, पी ओ वी नहीं दिया सिंपल यही मतलब है हाँ दीज आर कॉल्ड अजम्पन मतलब लीगल भाषा में तुम सरकमस्टेंशियल बातें कर रहे हो तख्ता प्रूफ दो क्राफ्टर ने चेक्स किए नहीं था इसीलिए वो खेल रहे हैं सेमीफाइनल्स में समझ रहे हो सिंपल बात है फिर भी डबल चेक के लिए एडमिन भेजा गया सारे टीम्स को बोला गया था अपने सारे मैचेस के पीओवी और हैंड कैम आपको अपलोड करना है अनिवार्य है वो मस्ट तो वट अबउटी एक्स परफॉर्मेंस टुडे डे यही स्पोर्ट्स e अमेजन का डेली पॉइंट टेबल डिफरेंट क्यों आ जाता है थोड़े बहुत एरर्स इधर उधर हो जाते हैं बट ठीक है टी एक्सडो मिरामा रोटेशन याद रोटेशन सब कुछ सही था आखिर फाइट में थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो गया आई थिंक कौन था जेली था ना जिन्होंने तीन खाए थे एक्सपार्क के मतलब प्राइम ई स्पोर्ट्स ने बढ़िया पोजिशन तो ले लिया था बट टू मच फाइट फॉर देम टू मच फाइट फॉर देम दिस अकॉर्डिंग टू यू विच बी जे माई टीम एंड ऑर्ग हैव करेंटली बेस्ट ऑरिलेंट टू विन इन द टनामेंट मेरे हिसाब से दो टीम है ठीक है एक रेकनिंग एक एक्सपार्क दूसरी तुम्हारी ये हो सकती है क्या नाम है केमिनेक्स बनम बट पता नहीं वो उनको क्या हो गया है लिटरली क्या हो गया है तीन बता रहा है। अब ऐसे मतलब ना मैं थोड़ा भावनाओं में बह जाता हूँ क्योंकि बहुत सारे नाम सामने आ जाते हैंज अटोरी लाइन बट यू नो एज कास्टर्स टी एक्स को हमने हमने उनका जर्नी देखा है हमने एक्चुअली उनको इंप्रूव करते हुए देखा है क्योंकि एक पॉइंट पे मतलब दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ एक ऐसा टाइम था जहां पे निजा मुझे लगा कि सिंपल परफॉर्म सिंगल हैंडली परफॉर्म कर रहा है वो क्लच निकाल रहा है पूरी टीम थोड़ी सी मतलब वो सिनर्जी नहीं दिख रही थी फिर राउंड टू आया कि भाई राउंड टू में स्प्रे गॉड मारना लग गया सारंग कंसिस्टेंट हो गया फिर शेडो के फिर भी रोटेशन के ऊपर सवाल थे क्योंकि एक पॉइंट पे टीम एक्सपार के फिनिशेस तो आ जा रहे थे वो क्वालिफाई तो कर जा रहे थे बट पोजिशंस नहीं आ रहे थे फिर शैडो ने भी इंप्रूवमेंट दिखा दी तो अगर ऐसा एक स्टोरी लाइन बनाओ कि एक टूर्नामेंट के अंदर आप कैसे इवॉल्व कर सकते हो आई थिंक एक्सपार के लिए वो स्टोरी लाइन Reckoning bro the stats are insane or